अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत होंगे। आज आपके लिए मैं ईवी वोल्ट का रिव्यू लेकर आया हूँ। स्पेशल थैंक्स टू काशिप भाई, प्रिंस इकबाल मोटर हाला, और इनकी जो डीलरशिप है वो हाला में है, मेन रोड पर है, हाईवे पर है। उसकी आपको लोकेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये हेनरी कंपनी है, ईवी वोल्ट है। ये जो गाड़ी है, ये मतलब ये वाली गाड़ी, ये सीबीयू है, और आपको जो है वो सीकेडी भी मिल जाएगी बुकिंग पे। उसके हम आगे बात करेंगे। अगला शेप अच्छा है, पूरी इलेक्ट्रिक है, फुल इलेक्ट्रिक कार है। अलॉय रिम में है, साइड के लोग आप देख सकते हैं। चाइनीज टायर है, 155, 65 और 13, 13 इंच की अलॉय रिम। यहाँ से चार्ज होगी। ओह ये देखो, ये बंद करो ना, ये 16.5 किलोवाट का इसका सिस्टम है, बैटरी का लिथियम बैटरी। इसकी की है, जैक नाइफ की है इसकी। होल्ड करेंगे ऊपर हो जाएगा, खुल जाएगा, लिखा हुआ हैंड। स्टेपनी व्हील इसमें नहीं होता, इसमें टूल किट पड़ी हुई है सारी, और ये बंद है पैक है पूरा। नीचे पार्किंग सेंसर आपको नज़र आ रहे हैं। शेप अच्छी है गाड़ी की। एलईडी इंडिकेटर है, इसको मैंने ओपन कर दिया, लेकिन ये देखो हाथ में आ रहा है। उसका ये है कि ये सीबीयू व्हीकल है ना, इसलिए ये ऐसे ही होता है। जो सीकेडी आएगी वो उसमें पूरे उसमें कब्जे लगे होंगे। एबीएस आपको सामने नज़र आ रहा है। ये बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी जो है इसके अंदर वो पीछे लगी हुई है। उसका बंद करने का तरीका भी ऐसे ही है, इसको अंदर ऐसे फिक्स करेंगे, यहाँ से अंदर चला जाएगा, वो ऐसे रख के दोनों साइडों से। अब ये अटक गया, अब इसको मैं बंद किया, बंद हो गया, वीआईपी हो गया। इंटीरियर की बात करने से पहले रिमोट का सिस्टम आपको बताता हूँ। लॉक अनलॉक फीचर है, इसको होल्ड कर रखेंगे तो ट्रंक ओपन हो जाएगा। लॉक अनलॉक, स्मार्ट एंट्री, सॉरी कीलेस एंट्री। लॉक अनलॉक फीचर है, पावर विंडो है, बहुत तेज है इसके, सिल्वर हैंडल। यार इंटीरियर देखिए कितना खूबसूरत बनाया है यार, जैसे रेंज रोवर का हो। सीट के कलर और ये सारा कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त। गाड़ी में बैठते हैं। अच्छा, बैठने से पहले ये ट्रंक ओपनर है और स्पोर्ट्स का बटन है, और हेडलाइट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं आप। ओहो, पूरी रेंज रोवर प्रो मैक्स। आपको इसमें की लगानी और ऑन वोल्ट वोल्ट, एक ग्लव बॉक्स है, एक ये रहा। यार मेरी फ्रीड में भी इतने फीचर नहीं है यार, पर ये हैंड ब्रेक मैनुअल कैसे दी। अच्छा शीशे देखे कितने तेज हैं, बस इसको आप जैसे क्लिक करो, अरे वाह स्पीड देखो, बहुत अच्छा लगा। रेडी है बस गाड़ी, ब्लूटूथ चल रहा है, क्या सीन है इसका। और एसी फैन ये रहा। अच्छा उसी मतलब कोई कम ज़्यादा वाला हिसाब नहीं है, मतलब अलग डेडिकेट बटन नहीं है इसमें, एक ही बटन पे हवा कम और तेज़ हो रही है। दो वेंट हैं ये वाले भी, पर ये एडजस्ट नहीं होते, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त। एसी ऑन हो गया, ब्रेक दबाओ, गाड़ी डीप है, अरे वाह आगे पीछे हो रही है, बस हैंड ब्रेक लग गया ज़बरदस्त। और ऊपर एलईडी लाइट है, बाकी कोई डोम लाइट इसमें नहीं है। ये चार्जिंग पोर्ट आपको नज़र आ रहा है, इसको हम लगा देते हैं। यार हेडरूम, सॉरी लेग रूम जो है बहुत ज़्यादा है यार। हेडरूम देखिए कितना ज़बरदस्त है, मैं बिल्कुल ईजी होकर बैठा हूँ। सीट, स्टेयरिंग भी यार फुल पानी है, ऑन भी ओरिजिनल लगा हुआ है। फॉग लाइट का बटन है लेकिन इसमें है नहीं। अच्छा ये जो है ना, इसमें सिस्टम है देखो, 94 बैटरी, 193 चार्जिंग पावर, न्यूट्रल, रेडी, इको, ज़बरदस्त।
200 किलोमीटर तक आप चला सकते हैं इसको फुल चार्ज पे। पीछे का लेगरूम और हेडरूम चेक करने से पहले दरवाज़ों की बात करें तो 90 डिग्रीज पे खुलने, एंट्री और एग्जिट को इशू नहीं है, वरना आराम से बैठ रहा है। ज़बरदस्त सीटें नरम है। साउंड बाहर की आवाज़ भी नहीं आ रही यार। ये सीट फुल पीछे, लेगरूम देखो और हेडरूम भी ज़बरदस्त यार। पीछे हेडरेस भी लगे हुए, नाइस। चार लोग आराम से बैठेंगे, आराम से। नीचे का व्यू भी आपको दे देता हूँ। अभी हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। ब्रेक पे पाँव रखा क्योंकि इसमें आवाज़ है नहीं, तो इसलिए मैंने आपको आवाज़ चेक नहीं कराई। पाँव रखेंगे तो यार फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी, मज़ा आ रहा है। सीटिंग पोजीशन भी बहुत अच्छी है गाड़ी की, जहाज जैसी आवाज आ रही है। रेव करे थोड़ा, जहाज 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 स्पोर्ट्स मोड पे करें यार, जबरदस्त यार। यार ये स्पोर्ट्स मोड पे कर रहे हैं गाड़ी, जहाज हो गई जहाज। दो एयरबैग है गाड़ी में, ABS ब्रेक है सेफ्टी में, और गाड़ी का सस्पेंशन बहुत ज़बरदस्त है यार, अल्टो वाली फील दे रहा है मुझे। प्राइस रेंज की बात करें तो 33, फिर से खींच रहा हूँ यार। ज़बरदस्त यार, एक सौ नौ। हटाओ स्पोर्ट्स मोड को, ब्रेक भी अच्छे यार। 0 to 100 इसका करूँ नहीं करूँ, ब्लूटूथ है, इको मोड पे गाड़ी बहुत वो है, हार्ड है, सॉरी हार्ड बोल रहा हूँ। इको मोड पे गाड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा वो है, मतलब ऐसे फंसी हुई है, अभी जगह चलनी नहीं है, फुल पेडल दबाया हुआ है मैंने। सस्पेंशन यार बहुत ज़बरदस्त है गाड़ी का, ऐसे खींचता हूँ नहीं जाएगी। और 92 बैटरी दिखा रही है बकाया, 189 किलोमीटर यार। ये बड़ा ज़बरदस्त है इसका यार, वाइपर एक ही गाड़ी में मेरे। गाड़ी चलने में अच्छी है यार, और काशी भाई ने यार हमें गाड़ी दे दी यार ऐसे ही। मैं बोल रहा था आप साथ चलो, उन्होंने बोला नहीं आप करके आ जाओ, तो मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, 33 लाख की इसकी प्राइस है ना, तो मेरे हिसाब से वर्थ इट है गाड़ी। एक तो फुली इलेक्ट्रिक है, मज़े की बात, और दूसरी चलने में यार गाड़ी बहुत अच्छी है। इनकी ही जो प्रिंस है उससे भी गाड़ी मुझे अच्छी लगी। एसी अगर चला रहे तो क्या सीन है देखते हैं, रोड अच्छी है एसी की। ज़बरदस्त यार, मतलब शहर में आपको गाड़ी तंग नहीं करी, एसी भी चल रहा है, गाड़ी उठी ऐसे आगे से, मतलब शहर में अगर आप इसको चला रहे हो सिग्नल पे या ऐसा कोई, तो अंडर पावर फील नहीं हो रही गाड़ी। रेयर व्हील है, इसके पीछे मोटर लगी हुई है सारी, उसको मैं अगर स्पोर्ट्स मोड पे करता हूँ ना, बटन भी अच्छी जगह लगा हुआ है। लगाते हैं सर ब्रेक, और अभी आप देखना मैं पाँव दूंगा उसको। ओह जबरदस्त, ओह यार इतना पिकअप, अभी हवा भी बाहर बहुत है, एसी की कूलिंग भी जबरदस्त,
अभी वैसे ही सर्दी है, मजा आया जबरदस्त। रूम देखो ना, रूम में सब वीआईपी हो रहा है गाड़ी का। मन करूं यार एसी तो 80 पे भी मैं अगर पाउंड दे रहा हूं तो गाड़ी एक फील करा रही है। एक बाहर की नॉइस है जाहिर है भी, आपको पता है गाड़ियां इको मोड लगाते ही गाड़ी जो है ना पीछे हो जाती है। अभी स्पीड कम हो रही है, मैंने अलग पेडल दबाया हुआ है, स्पीड कम हो रही है। कोई ब्रेक मार रहा है, कोई ब्रेक मार रहा है, ब्रेक मार रहा है, खींच रही है गाड़ी, खींच रही है, जोर लगा रही है। इको मोड पे ऐसे नहीं उठ रही, जबरदस्त यार सस्पेंशन, जबरदस्त है गाड़ी। पार्ट्स, मेंटेनेंस और बुकिंग, टाइमिंग, सारी चीज़ें काशी भाई से पूछते हैं। मेरे साथ काशी भाई हैं और प्रिंस इकबाल मोटर के सीईओ। काशी भाई क्या हाल है, खैर मालूम? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ। ये काशी भाई अब सारी इसकी बताना मुझे डिटेल, जो प्राइस तो मैंने बता दी, बुकिंग, पार्ट्स और क्या बोलते हैं कब मिलेगी और वारंटी वगैरह जो भी। इसकी तय भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप आए, आपने टाइम निकाला मेहरबान, और जो है ना आपने गाड़ी का रिव्यू किया, कोई मसला नहीं। जो भी आपने, आपका शुक्रिया, आपकी नहीं, आपकी ये एक मैंने नोट की है बात कि जो भी होता है तो वो आप हॉनेस बताते हो, आप ये नहीं करते कोई पेड सर्विस वगैरह नहीं करते कि बिला वजह की तारीफ कर दी और बिला वजह किसी को गिरा दिया, जो होता है वो ही करते हैं आप। ये मुझे आपकी बात अच्छी लगती है काफ़ी। खैर खैर भाई, सबसे पहले तो ये गाड़ी है, इसका नाम है वोल्ट, ठीक है, आपने बता दिया होगा हेनरी कंपनी, हेनरी कंपनी वोल्ट। ये जो गाड़ी आपने जिसकी टेस्ट ड्राइव की है, ये सीबी यूनिट है, फुली इंपोर्टेड। और सेकंड ये है कि इस गाड़ी की अभी इंशाल्लाह जो प्राइस हम लॉन्च करने वाले हैं वो 3.3 मिलियन, 33 लाख रुपए इस गाड़ी की प्राइस है, प्राइस है। और दूसरी बात ये कि आपने सवाल किया पार्ट्स, पार्ट्स का सबसे बड़ा तो ये है कि जो मेजर जो होते हैं ना पार्ट्स के लिए, वो होती है इंजन वाइज, इंजन वाइज। इंजन इसके अंदर नहीं है, ना इसके अंदर रेडिएटर है, ना इसके अंदर इंजन है, कुछ भी नहीं है, ना आयल का टेंशन, कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम जो इसकी पार्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो है शो पार्ट्स, वो डीलरशिप, बॉडी पार्ट्स जिसको बोलते हैं हम शो पार्ट्स, वो इसकी जो है डीलरशिप पूरे पाकिस्तान में है, जहाँ से भी बोलेंगे आपको वो मिल जाएगी, क्योंकि ये सीबी यूनिट है। इंशाल्लाह मई में जो हम डिलीवर करेंगे, जो आगे हम बात करेंगे, वो सीकेडी होगा जो पाकिस्तान में ही असेंबल होगा, तो डेफिनेटली तो पार्ट्स तमाम के तमाम पार्ट्स इधर अवेलेबल होंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और जो कंपनी की हमारी मीटिंग हुई थी तो मैंने कंपनी में सबसे ज़्यादा सवाल उठाया था कि इसका पार्ट्स जो होगा वो कितना महंगा होगा, तो आपको मैं एग्जांपल बताने के लिए जो बता देता हूँ, जो इसका बोनट है जो आपने देखा है वो फाइबर का है। उसके मैंने कंपनी से रेट लिए तो कंपनी ने कहा 12 से 15 हज़ार के दरमियान बिल्कुल जेन्युइन पार्ट्स आपको मिलेगा, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बिल्कुल लो कास्ट जो है पार्ट्स कंपनी की कोशिश है कि वो हम प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को। सही, अच्छा बुक कभी कराएं तो कब मिलेगी? बुकिंग अभी है 15 लाख से बुकिंग चल रही है गाड़ी की, और मई के अंदर जो पहली स्लॉट हमारी हम देंगे, जो डिलीवर करेंगे वो मई में मिलेगी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट का जो है सिस्टम बनाया कंपनी ने कि जो पहले बुक कराएगा उसको पहले मिलेगी, जो बाद में बुक कराएगा उसको गाड़ी बाद में मिलेगी। जो इनिशियल पेमेंट है जो वो उसी टाइम होगी? हाँ, 15 लाख तो आप अभी देने हैं, बकाया जो पेमेंट है वो गाड़ी आने से एक हफ्ता पहले कंपनी की तरफ से आपको कॉल आएगी, तो आपने वो जमा करा देनी कंपनी के अकाउंट में। बार बार मैं अपने एक जो कस्टमर्स हैं मेरा एक जुमला है मशहूर, बार बार मैं कहता हूँ कि कोई भी हो, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हो, वो कंपनी के अकाउंट में आप पेमेंट लगाएं, किसी भी डीलर के नाम पे पेमेंट आप ना लगाएं, कंपनी में लगाएं पेमेंट आप बस। सही, DD बनवाएं 15 लाख का, वो आप हमारे पास ले आएँ, अपने हाथ से जाके जमा करवाएं या हमारा बंदा आपके साथ जाएगा वहाँ जाके जमा करा दें कंपनी के अकाउंट में। उसके बाद जब गाड़ी आपकी आने वाली होगी तो एक हफ्ता पहले कॉल आएगी, आप अपने घर बैठ के उसको जमा करा के बकाया रिमेनिंग अमाउंट, और आप एक हफ्ते के बाद अपनी गाड़ी ले जाएं। सही, अच्छा ये रेंज चार्ज कितनी देर में होती है, और रेंज इसकी 200 किलोमीटर आपने बताई थी? 220 किलोमीटर इसकी रेंज है, एक चार्ज में ये 220 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। इसके चार्जर का जो कंपनी का जो चार्जर आ रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंपनी दे रही है वो है नॉर्मल चार्जर। सही, वो जो चार्जर है वो आपको 6 घंटे में 0 से 100 कर रहा है,
अगर आप 1 लाख रुपया मजीद खर्च करते हैं और फास्ट चार्जर लेते हैं तो वो 2 घंटे में 0 से 100 आपकी जो है गाड़ी वो फुल चार्ज हो जाएगी। फुल चार्ज हो जाएगी। अगर आप पंप से करवाते हैं इसी को तो पंप से जो है वो 20 से 25 मिनट में 0 से 100% चार्ज ये हो जाती है। सही। और सबसे बड़ी इसकी खूबी ये है कि कहीं पर भी जैसे नॉर्मल जो आप मोबाइल का चार्जिंग चार्ज करते हैं मोबाइल उसी प्लग में ये चार्ज हो जाएगा, कोई इतना बड़ा वो नहीं है इसका। टू पिन वाला। सही जी। ऐसा मेरे वाल साहब हैं और ये इन्होंने भी गाड़ी देखी है तो उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि गाड़ी कैसी है। बहुत अच्छी है, लुक वाइज भी बहुत अच्छी है और पेट्रोल के हवाले से भी बहुत अच्छी है, क्योंकि अल्ट्रो ये आजकल जो है वो 35 लाख तक पहुंच गई है, 30 से 35 लाख तक। तो ये नॉर्मल चलती है, 200 किलोमीटर चलती है और आम चार्जर पर चल रही है, कोई इसके लिए अलग कोई फिटिंग नहीं करानी पड़ती, कोई मसला नहीं है। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी गाड़ी है, चलेगी इंशाल्लाह ताला। और दहर भाई सबसे बड़ी इसकी बात खूबी ये है जी जी कि अगर आप एक दो प्लेटें लगा लेते हैं ना जी जी, दो प्लेटें आप अपने घर में लगाते हैं और उसको 220 से कनेक्शन देके आप इसको चार्ज करते हैं तो 100% ये जो है फ्री हो जाएगी आपकी गाड़ी, आपको जान छूट जाएगी। और अगर आसान लफ्जों में बताऊँ ना मैं कस्टमर की आसानी के लिए पेट्रोल की लैंग्वेज में कि जो 1 लीटर पेट्रोल 260 रुपये का है ना तो 260 रुपये के ये खर्च में गाड़ी चल रही है 60 किलोमीटर। ये आसान लेग भी नहीं है, पर लीटर 60 किलोमीटर दे रही है। ये आसान लफ्ज में आपको बताऊं तो वैसे इसका कोई इंजन नहीं है, कोई इसमें गैसोलीन ये है ही नहीं, ना पेट्रोल की टैंक है इसमें, कुछ भी नहीं है। लेकिन आसानी के लिए ये कि पर लीटर में 60 किलोमीटर चल रही है, आसानी के लिए ये है। सही। ठीक है काशी भाई, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया सबसे पहले तो। और इनकी जो डीलरशिप है वो उसकी मैप आपको मिल जाएगी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में, और बकाया जो भी आपको इनसे मालूम लेनी हो इनका व्हाट्सएप नंबर नीचे में दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पूछ सकते हैं काशी भाई से। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। काशी भाई बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपने टाइम दिया फिर से अगेन। और मैं अपने तमाम कस्टमर्स को ही बोलूँगा कि अगर हॉनेस्ट रिव्यू देखने हैं आपने और ये आप वीडियो देख रहे हैं या भाई के चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो आप भाई के चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये इनकी एक मैं बार बार एक खसूसियत बोलता हूँ कि इनकी खूबी है कि ये हॉनेस्ट करते हैं, कोई वो नहीं करते ना चढ़ा के ना किसी, ये इनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच।